हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये क्विक शॉर्ट एनर्जी अपडेट है आपके पर्सन की करंट एनर्जी से रिलेटेड। ये क्विक एनर्जी अपडेट होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने रेगुलर बेसिस पर एक शॉर्ट क्लिप अपलोड करने का प्लान किया है। जब तक मुझे मैसेज रिसीव होते रहेंगे तब तक मैं अपलोड करती रहूँगी, अदरवाइज़ रेगुलर बेसिस पर जब तक मुझे मैसेज रिसीव नहीं होता तब तक मैं रीडिंग अपलोड नहीं करती। लेट्स सी, ये शॉर्ट वीडियो है, ये शॉर्ट रीडिंग है, ये क्विक एनर्जी अपडेट है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। द हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन फायर साइन। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड हुए हुए हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, कोई कन्फ्यूजन उनके जहन में चल रही है। और वो क्या कन्फ्यूजन है? मे बी आप कहीं गए हुए हैं, आप कहीं विजिट पर हैं, ट्रैवल पे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, पार्टी डिनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आप इस वक्त उनको टाइम देने के बजाय किसी और को टाइम दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है। काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन में भी हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि जिन चीज़ों की वजह से मूड ख़राब हो जाए, लड़ाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, इससे बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करना है। आजकल मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है आपके पर्सन का विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लोगों से मुठभेड़, बिला वजह का फड्डा, पंगा ले रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जैसे ही आपसे आपकी आमद होगी, आपसे मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी, आपसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन आपकी एब्सेंस को, आपसे दूर रहने को ज़रा ज़्यादा महसूस करते हैं। अभी बिल्कुल क्वाइट हुए हुए हैं विद द हर्मिट, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि विद द हर्मिट कार्ड ज़िंदगी के मुतल्लिक बहुत कुछ सोच रहे हैं। वो अपनी ग्रोथ के लिए भी कंसर्न है, आपकी सेलिब्रेशन के लिए भी कंसर्न है, उनके जहन में बहुत सारी बातें भी आ रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन किया तो शायद लड़ाई हो जाएगी। आप शायद फ्री स्पिरिट हैं और वो ज़रा आपको पजेसिव फील कराते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी दो बातों को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, चाह रहे हैं कुछ सोचें, चाह रहे हैं कुछ ना सोचें, और ये बहुत सी मिक्स सी उनकी एनर्जी आ रही है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। दे लिटरली फील कि उनको जगलिंग स्टॉप कर देनी चाहिए है। लेट्स सी के सोल लेवल पर, सोल लेवल पर क्या एनर्जी है उनकी। कीप एन ओपन माइंड, लव योर सेल्फ फर्स्ट, केमिस्ट्री। मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जो टाइम आपके साथ उनका स्पेंड होता है, वो लवी डवी सा टाइम, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। आपकी एब्सेंस को मिस कर रहे हैं, केमिस्ट्री को, उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, और फिज़िकल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इवन आपकी सिर्फ कंपनी ही साथ होती है तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, वर्कहॉलिक, अपने आप को काम में बिज़ी रखना चाह रहे हैं, काम में बिज़ी कर रहे हैं ताकि इन बातों की तरफ ध्यान ना जाए, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा मूड ख़राब हो और घर आने के बाद आपसे जब भी बात हो तो उनकी लड़ाई हो जाए। लेट्स सी एंजल की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। आप अपने जहन में कोई भी क्वेश्चन सोच लें, ये क्विक शॉर्ट एनर्जी अपडेट है, तो लेट्स सी के एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन अपने जहन में पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, ऑलमोस्ट इट्स अ येस, लेकिन अगर कोई ऐसी बात नेगेटिव भी आ रही हो तो आपको पॉजिटिव ही रहना है। अगर इनका मूड ख़राब हो तो कोशिश करें कि किसी भी फॉर्म में जो है वो रिएक्ट ना करें, अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आपकी शॉर्ट क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन से रिलेटेड। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।